हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, WWE ने अनाउंस कर दिया है कि ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉक लेसनर दोनों अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में आने वाले हैं। और जैसा आपको याद होगा कि ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक लेसनर पर दो हफ्ते पहले रॉ में बहुत बुरी तरह से अटैक किया था, और इसलिए इस अटैक का बदला ब्रॉक लेसनर आने वाले मंडे नाइट रॉ में कैसे लेंगे, जानने के लिए वीडियो कॉन तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर का मैच हो रहा है रेसलमेनिया 36 में WWE चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि इस साल का रॉयल रंबल ड्रू मैकइंटायर ने जीतकर WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर दिया था। और आपको याद ही होगा कि ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक को रॉयल रंबल 2020 से भी बाहर किया था, इसलिए अभी ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर की दुश्मनी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, पहला अटैक ब्रॉक लेसनर ने किया था जब रॉयल रंबल के बाद वाले रॉ में उन्होंने आकर ड्रू मैकइंटायर को F5 दे दिया, लेकिन उसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने अटैक किया और वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उन्होंने 3 क्लेमोर किक मारे ब्रॉक लेसनर को, और बिना कुछ कहे ही उन्होंने अपने एक्शन से ये बोल दिया कि रेसलमेनिया 36 में वो ब्रॉक लेसनर को हरा कर जीत जाएंगे और वो पहली बार WWE चैंपियन भी बनेंगे। लेकिन दोस्तों, ब्रॉक लेसनर जो कि WWE के बीस्ट इनकार्नेट है, वो उनका बदला ड्रू मैकइंटायर से अगले हफ्ते के रॉ में जरूर लेंगे, और या तो बैकस्टेज में या फिर रिंग में आकर ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकइंटायर को इंजर्ड कर देंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में यानी कि 23 मार्च 2020 को होने वाले रॉ में ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर के ब्रॉल में कौन भारी पड़ेगा, और रेसलमेनिया 36 में इन दोनों के मैच में कौन जीतेगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, रेटेड आर सुपरस्टार एज ने रैंडी ऑर्टन को चैलेंज कर दिया है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के लिए रेसलमेनिया 36 में, और अगले हफ्ते के रॉ में रैंडी ऑर्टन ये बताएंगे कि क्या वो एज का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और WWE ने अनाउंस कर दिया है कि केविन ओवेंस का रेसलमेनिया 36 में मैच होगा सेथ रॉलिंग्स के साथ। तो दोस्तों, इस मैच में आपकी क्या प्रिडिक्शन है कि कौन जीतेगा, कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों, इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में बेली का 6-pack एलिमिनेशन मैच अनाउंस हो गया है रेसलमेनिया 36 के लिए, और इस मैच में कम्पीट करेंगी लेसी वंस, डेना ब्रूक, साशा बैंक्स, तमीना, बेली और नियोमी। और दोस्तों, इस मैच में वही जीतेंगी जो बाकी की 5 को एलिमिनेट करेंगी और वो बन जाएंगी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। दोस्तों, अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में द न्यू डे और द उसोस का टैग टीम मैच होगा, और इस मैच में जो भी जीतेगा वो फेस करेगा द मिज और जॉन मॉरिसन को रेसलमेनिया 36 में स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में। और इसी स्मैकडाउन में ड्रू गुलक फेस करेंगे शिंस्के नाकामुरा को, और अगर ड्रू गुलक जीते तो डैनियल ब्रायन को रेसलमेनिया 36 में मौका मिलेगा सैमी ज़ेन से फाइट करने का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में। और अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में एलेक्सा ब्लिस का मैच होगा आस्का के साथ। और दोस्तों, इस हफ्ते का भी मंडे नाइट रॉ बिना फैंस के होगा, क्योंकि WWE उनके सुपरस्टार्स और उनके फैंस की सेफ्टी को रिस्क में नहीं डाल सकते, पर इस चीज से काफी फैंस अपसेट हैं, क्योंकि बिना फैंस के मैच देखने में उन्हें मजा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे शोज बंद हो चुके हैं, लेकिन WWE अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी इतने मुश्किल समय में, इसलिए हमें भी WWE और उनके सुपरस्टार्स की इस मेहनत को सराहना चाहिए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।